Hi guys, Welcome back to our YouTube channel. my name is Disha And I am Sana. And we are the Down to Earth. Down to Earth. So guys, आज हम बनाने वाले हैं top 50 most popular Pakistani drama OST. Yes, and we are so excited क्योंकि हमने अभी तक mostly मतलब अगर 100% OST होंगे तो हमने 50% देख लिया. Yes guys, famous है जो हमने इससे पहले टॉप 100 ओएसटी पे वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बट वी वांट टू सी कि टॉप 50 में डिफरेंट है या क्या है. हाँ, क्या है एक्चुअली मुझे नहीं पता, बट हम एक्साइटेड है क्योंकि हम ऑलरेडी ओएसटीज को अब जान चुके हैं कुछ ना कुछ. गाइस, जब हमने फर्स्ट टाइम है तो हमें कुछ नहीं पता कौन सा क्या ओएसटी है. अब हमें नॉलेज है. हाँ, अब हमें नॉलेज है तो हम ना वही एक्साइटमेंट से कि कौन सा ओएसटी कहाँ पर आएगा. एग्जैक्टली गाइस, तो अब हम जरा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी. एंड सना, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? गाइस आप सब्सक्राइब कर दो, हमारे 20 के कराओ, हो चुके होंगे शायद, बट कराओ. हाँ, ये वीडियो बाद में आएगी क्योंकि ये गाइस, सो लेट्स गो. यस, साहिर अली बग्गा, साहिर अली बग्गा, ये सुना है. सुना है, ये तो काफी आगे होना चाहिए था. अच्छा. हाँ. राहत फतेह अली खान. ये नहीं सुना है. अच्छा लग रहा ना, हदीक्का का. और मोस्टली अभी तक साहिर अली बग्गा आया है. डिफरेंट. सहर गुल की आवाज बहुत अच्छी लग रही है. सही में हमने बहुत नहीं सुनी है, पता तेरे को? अभी भी मोस्टली. साहिर अली बग्गा और राहत फतेह अली खान में टक्कर चल रही है इस टाइम. दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो बहुत फेवरेट. मोहब्बत का किस्सा सभी का था, हमने सीजन वन पे किया था शायद, याद है, पर मुझे भी अलिफ तो बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा. सारे ऑलमोस्ट ये बड़े अच्छे लगते हैं.
ये नहीं सुना। आई मिस रिएक्टिंग टू ओएसटी। सही में करेंगे स्टार्ट हम सून। राज़-उल्फ़त तो लाज़म करेंगे यार। ये मेरे को मैंने अभी देखा था बहुत ज्यादा फेमस है सॉन्ग यारियां। दिस इज नाइस। ये सुना हमने पूरा ऐ दे बाबा। ये भी सुना ये भी सुना सुन रखे गाइस हमने। रिएक्ट भी कर रहा है यहां देखो चैनल पे होगा। ये था कुछ और मोहब्बत की टक्कर का बहुत अच्छा। लिख दे काफी गाने थे जो आगे आने हाँ। करते हैं सही में। एक तो खामोशी सुनो चंदा ऐ दे वफा हाँ। ये भी बहुत अच्छा है। तो बहुत ही फेमस है हाँ। तो नेटफ्लिक्स पे भी था। मजा है ना सारे सुन हाँ। के प्राउड लग रहा है मेरे को तो बता हाँ। और ये तो डिजर्व भी करता है गाना 9th पे। सीजन 2 इसमें रिएक्ट करना चाहिए। ये दूसरा है शायद सीजन 1 खुदा को पढूं कलमाया मैं दुआ दूं दोनों ही अलग है खुदा और मोहब्बत। टॉप 10 में आ चुके गाइस हम। कैसे ये जहर पिया है मरना किसको है तेरा। सीजन डिजर्व टू बी ऑन 6 भाई इससे बहुत अच्छे अच्छे थे पीछे। खामोशी बहुत आ गया ना चाहिए था। फर्स्ट पे होना चाहिए। भूल गए हम टॉप 100 में भी यही थे फर्स्ट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तू मुझे बता फर्स्ट पे कौन सा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। दो बोल जो 5 मतलब अंडर 5 बताती हूँ मैं कौन कौन सा था। खामोशी खानी ठीक है खुदा और मोहब्बत रिकॉर्ड था सुनो चंदा वाला भी अच्छा है। हाँ सुनो चंदा और ऐ दे वफा का हमारे हिसाब से। खामोशी को बहुत पीछे दिया हुआ है। एग्जैक्टली गाइस खामोशी इतना अच्छा वेस्टर्न हाँ। और फितूर वाला भी बहुत पीछे था शायद। फितूर तो था ही कहाँ नहीं फितूर नहीं था वो एक्ट्रेस। फितूर भी होना चाहिए था इसमें। फितूर भी होना चाहिए था और अभी भी हमें याद नहीं आ रहा है एक दो एसटी से बहुत अच्छे अच्छे वो भी होने चाहिए थे हमने काफी। और गाइस अलिफ का इतना पीछे था यार। हाँ अलिफ का इतना। और पता है क्या कि वो जो रोमियो वेट जीर वाला था ना वो पीछे होना चाहिए था। नंबर 6 पे उन्होंने नहीं करता था डिजर्व उससे इतने अच्छे अच्छे। वो तो एक डांस टाइप का सॉन्ग है प्यारे गाने हैं मतलब। और भी बहुत सारे प्यारे जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया अंडर 5 हमें कौन कौन से लग रहे थे। और तू बता कि और तेरे को क्यों लग रहा था कौन कौन से मोस्टली टक्कर में थे सिंगर्स।
साहिर अली बग्गा और राहत फतेह अली खान. हाँ ऑब्वियसली राहत फतेह अली खान, साहिर अली बग्गा और एमा बेग, कुरत और एक सहर गुल, मतलब ये सारे लोग थे जो 50 के अंडर थे मोस्टली, मतलब मेजोरिटी में जिनके सॉन्ग्स, मतलब सारे सॉन्ग वैसे मोस्टली इन्हीं के हैं, एक दो एक्स्ट्रा थे बट इन्हीं के मोस्ट सॉन्ग्स. गाइस मजा आ गया पर वीडियो देख के, मतलब ऐसे ना ऐसे जो वीडियोस होती है ना जिसमें हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि आगे कौन था पीछे कौन था, बड़ा मजा आता है ऐसी वीडियो देखने. और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें पता था, हमने मोस्टली गाने हमारे मन में चल रहे थे, मजा आता था सुनने में. सो दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, सही में बहुत मजा आया. और आप लोग बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट ओएसटी है, नंबर 1 पे आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए. गाइस दो बोल अच्छा है बट आई गेस तो बोलते बेटर भी है खुदा और मोहब्बत, यार बहुत बेटर है अकॉर्डिंग टू मी. मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, बोल कफारा और ये खुदा और मोहब्बत, खामोशी खानी, ये खामोशी और खानी तो बहुत अच्छे हैं यार सीरियसली. तो गाइज आप लोग बताओ कि आपको कौन सा लगता है कि कौन सा आगे होना चाहिए था और कौन सा पीछे. यस प्लस, और मेरे को लग रहा है कि खामोशी में, खुदा और मोहब्बत में, खानी में, तीनों में फिरोज खान है. कहीं हम इस चक्कर में तो नहीं कह रहे कि वो आगे होने चाहिए. नहीं यार उसमें सिंगर्स तो अलग अलग है, कि तीनों में फिरोज खान है. बट यार फिरोज खान कितने अच्छे ओएसटी होते हैं जिसमें फिरोज खान होता है. हाँ ओएसटीज भी अच्छे होते हैं क्योंकि सिंगर्स भी अलग अलग है, हम बायस होके नहीं बोल रहे सीरियसली, बट हाँ तीनों में फिरोज खान है. बट ऐसा कुछ नहीं, बट गाइज नहीं खामोशी तो जिसने भी सुना होगा ना देखे नहीं कि इट्स वन ऑफ OST, सही में. और आप लोगों ने ही बताया था कि खामोशी वन ऑफ द बेस्ट है. खामोशी, खानी, खुदा और मोहब्बत, दो बनी बोल कफारा और सुनो चंदा आर में टॉप 5. सही मेरे सेम है ना गाइस आपके. आप हमें बताइए टॉप 5 या फिर टॉप 1 कौन सा है. एंड होप यू एंजॉयड आवर रिएक्शन बिकॉज वी एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो. सही में बहुत मजे आए. सो गाइज अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना. Have and like the video if you like the reaction and give us suggestions in the comment section below. Yes, have a nice day. Bye bye.